हेलो स्टूडेंट्स, सर्कल चैप्टर के एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो ऑल सॉल्यूशंस ऑफ नंबरिंग को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर कर दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है आ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, इज ड्रॉन टू अ सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, यानी कि जो इसकी रेडियस सर्कल का वो क्या है, 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, सच दैट द सेगमेंट बी डी एंड डी सी इंटू विच बी सी इज डिवाइडेड बाई द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट डी आर ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि जो ये डिवाइड कर रहा है, यानी कि डी पॉइंट बी सी को, ठीक है, वो क्या है, 8 सेंटीमीटर है, बी डी को है। ठीक है, बी डी 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, आगे बोल रहा एंड 6 सेंटीमीटर, यानी कि बी डी 8 सेंटीमीटर हो गया और डी सी 6 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, आगे बोल रहा फाइंड द साइड ए बी एंड ए सी। आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी और ए सी का क्या बताओ, आप साइड बताओ, इसकी लेंथ कितनी है। ठीक है, तो हमें क्या पता है कि यानी कि ये जो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, ऐसा सर्कल पे टेंजेंट का काम करेगा। ठीक है, तो एक पॉइंट से जब किसी भी सर्कल पे यानी कि टेंजेंट पड़ता है वो क्या होता है, इक्वल उनकी लेंथ होती है। ठीक है, तो यहां से यहां तक हमकी लेंथ, हमें क्या है, गिवन है लेंथ 8 सेंटीमीटर, और यहां से यहां तक भी क्या होगा, जो लेंथ होगा वो भी क्या होगा, 8 सेंटीमीटर होगा। सेम ऐसे यहां से यहां तक 6 सेंटीमीटर है, तो यहां से यहां तक भी क्या होगा, 6 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, और ए ई और क्या बोलते हैं, ए एफ को हम क्या मान लें, एक्स मान लें। ठीक है, अगर हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो एक्स की वैल्यू और 8 को ऐड कर देंगे, ए बी का आ जाएगा, यहाँ भी ऐसे 6 ऐड कर देंगे, ए सी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसके सोल्यूशन पे चलते हैं। ठीक है, इसका सोल्यूशन देखो क्या हो जाएगा, इसके सोल्यूशन, ठीक, पहले मान लो लेट द ट्रायंगल ए बी सी द लेंथ ऑफ एनी टू टेंजेंट्स विच आर ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉइंट टू द सर्कल इज इक्वल। यानी कि ये कह रहा है, ठीक है, कि किसी भी एक पॉइंट से सर्कल पे जब टेंजेंट क्या होता है, ड्रा होते हैं, वो उसकी जो लेंथ होती है वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, आगे क्या करेंगे हम, एक यानी कि आप पॉइंट वाइज लिखना। ठीक है, यानी कि जो साइड है क्या क्या हमारे पास, ठीक है, यानी कि जो साइड जैसे क्या है, सी एफ वो क्या है, 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, सी एफ 6 सेंटीमीटर है और ये सेम इसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है। दूसरा क्या हो जाएगा, यानी कि बी डी जो होगा वो क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर और किसके इक्वल है, बी ई के। ठीक है, तीसरी पॉइंट क्या हो जाएगा आपके पास, ए एफ जो होगा और ए ई होगा वो क्या होगा, 1 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, ये दोनों क्या होंगे, यानी कि इक्वल होंगे। ठीक, नेक्स्ट क्या होगा, ठीक है, यानी कि आप साइडें देखोगे, यहाँ पर लिखना, इट कैन वी ऑब्जर्व दैट। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा पास, ऑब्जर्व दैट, यानी कि यहाँ पर ए बी की जो लेंथ होगी वो क्या है, ए बी जो है वो क्या है, यानी कि ए बी होगा आपके पास ए ई प्लस ई बी, यानी कि कितनी हो जाएगी, 8। ठीक है, सेम ऐसे दूसरा ए सी, ए सी क्या होगा, ए एफ प्लस एफ सी, यानी कि 6 हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा, बी सी, बी सी क्या हो जाएगा, बी डी प्लस डी सी, यानी कि 8 + 6 = 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मेरे पास क्या साइडें हैं। ठीक है, यहाँ से आगे क्या करोगे, ठीक है, जो यानी कि इस जो ट्रायंगल है इसमें हमने क्या पिछली क्लास में क्या पढ़ा होगा कि हीरोन्स फार्मूला पढ़ा होगा। ठीक है, अब उसको हीरोन्स फार्मूला से अप्लाई करके इसे करेंगे हम, एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, फिर उस ट्रायंगल के छोटे छोटे पार्ट के एरिया निकाल लेंगे, फिर दोनों को इक्वल कर देंगे, हमको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करने के लिए उसमें एक एस होता है, यानी कि सेमी पेरीमीटर होता है, तो पहले हम क्या करेंगे, सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो क्या लिखना, द सेमी पेरीमीटर सेमी पेरीमीटर विल बी कैलकुलेटेड। ठीक है, तो क्या होता है, s इज इक्वल टू होता था a प्लस बी प्लस सी बाई टू।
ठीक है, यानी कि ए बी जो होती है वो क्या होती है, साइडें होती हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 8 प्लस एक्स 6 प्लस एक्स और प्लस 14 बाई 2। तो एस की वैल्यू क्या मिलेगा आपको यहाँ से, 28 प्लस 2x, यानी कि एस इक्वल टू आ जाएगा आपके पास, जो एक्स इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 14 प्लस एक्स, ये आपको एस इक्वल टू मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इसके बाद अप्लाई, यानी कि एरिया क्या होता है, हीरोइंस फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। ए बी सी यानी कि ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यानी एस एस प्लस सॉरी एस एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये क्या होता है, हीरोइन फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पुट अप करोगे जब आप, तो एस की वैल्यू क्या आई, 14 प्लस एक्स, ठीक है, यानी कि 14 प्लस एक्स, ए की वैल्यू मान लो हमने क्या माना था, 8 माइनस एक्स हो जाएगा, दूसरा 14 प्लस एक्स, 6 माइनस एक्स, और अगला क्या हो जाएगा, 14, ठीक है, माइनस 14 हो जाएगा, और क्या था, एस की वैल्यू यहाँ पर, यानी कि 14, सी की वैल्यू क्या यहाँ पर थी, सी की वैल्यू यहाँ पर, यानी कि क्या था, सी की जो वैल्यू थी आप अप्लाई करोगे सी, यानी कि 14 हो जाएगा, एस की वैल्यू 14, हाँ ठीक है, 14 प्लस एक्स माइनस 14, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, ठीक। तो यहाँ से आपके पास क्या बचेगा, 14 प्लस एक्स, ठीक है, यहाँ पर एक्स एस कैंसिल, 14 माइनस 8 6 बचेगा, यहाँ पर भी एक्स एक्स कैंसिल, 14 माइनस 6 करोगे तो 8 बचेगा, और यहाँ पर 14 कैसे कैंसिल, ओनली क्या बचेगा, x बचेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 14 प्लस एक्स, यहाँ 6 8 जा 48 और x, ये आपको मिलेगा, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लो, ठीक। इसके बाद आप क्या करोगे, जो छोटे छोटे ट्रायंगल बन रहे हैं, ठीक है, उनकी एरिया फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। अगेन क्या करोगे, अगेन द एरिया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, यानी कि ये क्या हो जाएगा, एरिया 2 टाइम्स हो जाएगा एरिया ऑफ, किसे किसे एरिया होगा, एरिया ए ओ एफ, ठीक है, प्लस एरिया सी ओ डी प्लस एरिया डी ओ बी, ठीक है। अब देखो इसका जो एरिया हम निकाल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे देखो, जैसे हमने तो इस पूरे ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया, ठीक है। अभी अगर हम अंदर के एरिया निकालेंगे, मतलब इस छोटे छोटे पार्ट जो ट्रायंगल बने इनका एरिया निकाल लें, ये जो ट्रायंगल होगा इस ट्रायंगल के इक्वल होगा, ये ट्रायंगल इसके इक्वल होगा, ये ट्रायंगल इसके इक्वल होगा, अगर हम इसका एरिया निकाल लेंगे, इसका ये दोनों इसका डबल कर देंगे, ये एरिया आ जाएगा, पूरे का एरिया आ जाएगा। यहाँ भी ऐसे निकालेंगे एक का, डबल कर देंगे पूरा आ जाएगा, इसका निकाल लेंगे डबल कर देंगे इसका भी एरिया आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों इसका एरिया निकालने के बाद अब उस वाले हीरोइंस वाले फॉर्मूले का एरिया से इक्वल कर देंगे, वहाँ से हमें क्या x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो ये जो एरिया होगा ट्रायंगल बनना है, ठीक है, ये क्या होगा, यानी कि 2 टाइम्स, ठीक है, 2 टाइम्स ब्रैकेट में हो जाएगा हाफ, यानी कि क्या होता है, बेस इनटू हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आएगा, ओ एफ इंटू ए एफ, ठीक है, प्लस हाफ इंटू सी डी प्लस ओ डी, ठीक है, प्लस हाफ डी बी इंटू ओ डी, ठीक है, ये पूरी क्या हो जाएगी, बनेगी। उसके बाद आपका नेक्स्ट लाइन क्या हो जाएगा, हाफ कामन, ये जो हाफ है ना, इसे अगर लो कामन ले लो होल से, ठीक है, 2 इंटू हाफ होल से कामन हो जाएगा, ठीक है। जब आप होल से कामन ले लोगे, ठीक, तो अंदर क्या बचेगा, यानी कि ओ एफ जो है, यानी कि ओ एफ की जो वैल्यू है वो क्या है, 4 है, और इंटू ए एफ की वैल्यू एक्स है, प्लस ऐसे यहाँ पर सी डी, ठीक है, यानी कि जो सी डी है उसकी वैल्यू क्या है, 6 है, और जो ओ डी है उसकी वैल्यू क्या है, 4 है, प्लस ऐसे यहाँ पर बी डी उसकी वैल्यू 8 है, ओ डी की जो वैल्यू है वो क्या है, 4 है, ठीक है। यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या आएगा, 4x प्लस 6 4 = 24 और 8 4 = 32, ठीक है, 4x इसको ऐड कर लो, 4 और प्लस 2 6 और 3 प्लस 2 5, ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है, इक्वेशन डबल मान लो, सेकंड मान लो इसको, ठीक है। आपके यहाँ बाय इक्वेशन 1 और 2, क्योंकि दोनों एरिया क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल, ठीक है। यहाँ पर क्या था, 14x 14 प्लस एक्स इंटू 48x इक्वल टू ये किसके होगा, 56 प्लस 4x, ठीक है। यहाँ से नेक्स्ट स्टेप स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। जो आप स्क्वायर करोगे दोनों साइड में तो क्या हो जाएगा, 14 प्लस एक्स
48x इक्वल टू, ठीक है, 56 और प्लस 4x का होल होल स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आप यहाँ से 48x इक्वल टू 56 प्लस 40x का होल होल स्क्वायर अपॉन 40 प्लस x, ठीक है, ये आपको मिला 40 प्लस x। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, अगर यहाँ से 4 कॉमन ले लें, ठीक है, देखना अभी क्या आएगा, 4 जब कॉमन लेंगे, ठीक, जब आप यहाँ से 4 यानी कि आपके पास जो इक्वेशन बनी थी ऊपर वो ये इक्वेशन बनी थी, ठीक है, मैं अगेन एक बार और लिख देता हूँ, वो इक्वेशन थी 56 प्लस 4x अपॉन 14 प्लस एक्स, ये स्क्वायर था। ठीक है, यहाँ से अगर आप 4 कॉमन लोगे तो स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, पूरा 16 कॉमन आएगा, यानी कि 4 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ये मान लो। ठीक है, अंदर क्या बचेगा, 4 वन जा 4, 4 4 जा 16 प्लस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन 14 प्लस एक्स, ये सेम है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 48x इक्वल टू 4 का स्क्वायर यानी कि 16 ब्रैकेट में 40 प्लस एक्स। ठीक है, अंदर इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, जब 16 को 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 224 प्लस 16x, यहाँ पर 48x। ठीक है, 16x को इधर ले आओ तो 48x माइनस का 16x इक्वल टू 224, यहाँ पे कितना बचेगा आपके पास, जब आप सबट्रैक्ट करोगे, ठीक है, जब आप सबट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पर आएगा 32x इक्वल टू 224, एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी आपके पास, जो आप इसको डिवाइड करोगे, ठीक है, जब डिवाइड करोगे तो ये 7 टाइम्स आएगा, तो एस इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। ठीक, हमको क्या साइड निकालनी थी, ठीक है, तो साइड निकालना था हमें, तो ए बी की यानी लेंथ कितनी हो जाएगी, ए बी इक्वल टू, ठीक है, जो ए बी इक्वल टू था वो क्या हो जाएगा, 8 प्लस एक्स था, तो ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगा, 8 प्लस 6 इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्क्वायर करोगे 14, सॉरी 7 आया ना, ये वैल्यू 6 नहीं है 7 है, ठीक है, तो 15 आ जाएगा। ठीक, ये 15 आ गया, और ए सी की वैल्यू 6 प्लस 7 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दोनों वैल्यू क्या करनी थी हमको, फाइंड आउट करना था। ठीक है, थैंक यू।